इसलिए हम लोग नहीं लेते जो बहुत बड़े मालदार थे, बल्कि इज्जत नहीं वकार के रुतबा नहीं मिला, इज्जत नहीं वकार के रुतबा नहीं मिला, मुझको दरे रसूल से रुतबा क्या नहीं मिला। और इस कायनात में ये समय अहमद रज़ा के बाद, इस कायनात में ये समय अहमद रज़ा के बाद ऐसा नबी का चाहने वाला नहीं मिला, ऐसा नबी का चाहने वाला नहीं मिला। तो अब आइए ये बड़ी बड़ी के साथ साथ आपके सामने अपने शायरे अंजलि में मुझे सारे अदालत हजरत अहमद रज़ा भागलपुरी तशरीफ ला रहे हैं, उनका इस्तेमाल इन चार मित्र के साथ आज सुनो ना, नबी तेरा मुकद्दर जाग जाएगा, नजर में खुदने नजरा का मंजर जाग जाएगा। और कहा था मुस्कुरा कर आ बना देंगे हलीमा से, कहा था मुस्कुरा कर आ बना देंगे हलीमा से, हमारे लाल को ले जा मुकद्दर जाग जाएगा। पढ़ता हूँ सुने मोहब्बत के साथ, इधर से भी कुछ उधर से भी कुछ, क्यों एक आदमी अकेला भी हमें क्या करे, पेश करता हूँ सुनेगा कि ये न पूछो किधरे जा लगा दो। आराम से आराम से, आराम से आराम से पेश करता हूँ सुनेगा, ये न पूछो किधरे जा लगा दो, ये न पूछो दुनिया छोड़ जाता है तो रोने वालों से कह जाते हैं, ये न पूछो किधरे जा रूह सरकार होगा,
कब्र में उनको दीदार होगा, कब्र में उनका दीदार होगा, सामने सरदार होगा, कब्र में उनका दीदार होगा, कब्र में उनका दीदार होगा, बस यही बस यही बस यही सोच कर ऐसी महफिल हर कोई नहीं सजा सकता है। वालिदैन की याद या वालिदैन के सारे सवाब की वजह से जो ऐसी महफिलें सजाते हैं, कहीं न कहीं औलाद औलाद को अच्छी तरबियत मिली है। माँ बाप की मोहब्बतें, माँ बाप की यादें, माँ बाप की तरबियत जो औलाद औलाद के हक में बहुत एक कीमती चीज होती है। यकीनन जो दुनिया छोड़ गए हैं वो अपनी औलाद को कुछ न कुछ जरूर देकर गए हैं, इसलिए ये महफिल सजी है उनके सारे सवाब के लिए। एक शेर पढ़ता हूँ, अपनी औलाद औलाद क्या कहते हैं समाज के मोहब्बत सजरा कह दो सुभान अल्लाह, और एक बार कह दो सुभान अल्लाह। आज मैं अपने घर दादा को दफन करके मुझे मत भुलाना, कब्र पर तो मेरी आना जाना, कब्र पर तो मेरी कब्र पर तो मेरी आना जाना, दफन करके मुझे मत भुलाना, कब्र पर तो मेरी आना जाना, कब्र पर तो मेरी आना जाना, सुन लगते जिगर जागा गो, अगर वाकई आप जलसा सुन रहा है तो बैठे रहिए, अगर एक भी आदमी उठ गए तो अफसोस होगा इन आलिमों को, इन इन और मैं कराम कराऊँ कि आपको ये कुछ देने के लिए आए, अगर आप नहीं लेंगे हम नहीं लेंगे तो फिर कौन तक कुछ सुनेगा बताए, है कि नहीं? इसलिए अपने आप को पहचाने कि हम कौन है, किस मोड़ पे हम खड़े हैं, कहाँ तक हम थे, कहाँ आ चुके हैं। अब बैठे जब इंशाल्लाह तकरीर होगी फिर इंशाल्लाह उसके बाद भरपूर पढ़ा जाएगा, वो सारे कलाम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आप सुनकर जाएंगे। एक मिसरा में पढ़कर जाता हूँ इंशाल्लाह, तकरीर होगी उसके बाद पढ़ेंगे। कि मुझे को भी जन्नत का, मुजरिम को भी जन्नत का, मुजरिम को भी जन्नत का हकदार बनाते हैं, मुजरिम को भी जन्नत का हकदार बनाते हैं। अभी इसको मुकम्मल नहीं करूंगा, तकरीर होगी उसके बाद और एक कलाम पढ़ेंगे जो आप जो सुनेंगे और सुनकर जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है? वो कलाम पढ़कर जाएंगे। अभी तक मैंने सिर्फ इसको एक ही मिसरा पढ़ा है, लेकिन आप अगर बैठे रहे तो इसको मुकम्मल करके जाऊंगा। वो मतलब से
लेकिन अभी नहीं। अभी पढ़िए, पढ़ेंगे वो भी कलाम सुनाएंगे आपको, सब सुनकर जाएंगे तो आप बहुत गुनगुनाते हैं। क्या बताओ, क्या बताओ, इसको सुनकर जाएंगे आप लोग। लेकिन तकरीर पहले से इंशाल्लाह वो भी पढ़ेंगे, पढ़ेंगे आप बैठे इस तरह से। भाग गए अगर भाग गए तो फिर मैं नहीं पढ़ूंगा, ठीक है ठीक है, बैठे रहे आप, क्योंकि तकरीर नहीं सुनने की वजह से आज सोशल मीडिया पे आग लगी हुई है। तो अपने आप को पहचाने मेरे भाई, तकरीर सुनिए, बदनामी हम लोगों के सर पे आती है। आप बोलो हम लोग नहीं सुनेंगे तो क्या होगा, है कि नहीं, सुनेंगे इंशाल्लाह। वो भी कलाम पढ़कर जाएंगे और आप सुनकर जाएंगे। अपने कौन भला कर पाएगा। और जाते जाते वो भी आप भी पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ूंगा, अगर आप उसको राते रहते सारे कलाम पढ़कर जाऊंगा। उनका उनका इसको भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और वो कलाम तुम अपना आज कोई खाली दामन यहाँ से लौट कर नहीं जाएंगे। हुजूर की महफिल है, हुजूर भी यहाँ जलवा कर रहे और हुजूर की नजरें हम जैसे गुलामों को देख रहे हैं, कि नहीं? इंशाल्लाह बैठे रहे, बहुत सारे कलाम सुनाने हैं आपको। मैं भी आया हूँ भागलपुर से, तो कुछ सोच के आया हूँ, आप भी आए थोड़े से बैठे आप, लेकिन ना दिला तकरीर आप सुनिए, ठीक है ठीक है, बैठिए। अस्सलाम वालेकुम, कोई कोई एक दूसरे को पकड़ के रखिए, कोई उठे तो उसको उठा के पकड़, ठीक है बैठे रहिए मेरे दोस्त। आप इज्जत करें और मैं कराम की है ना, मेहमान आते हैं उसकी तकदीर करें। आप बैठे थोड़ी देर, आप लोग भागिएगा नहीं, बस इतना कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, बनाई है खुदा ने साथ लासानी मोहम्मद की, बनाई है खुदा ने साथ लासानी मोहम्मद की, न करते क्यों भला जिब्रील दरबानी मोहम्मद की, और जमीन पर बैठकर शमसो कमर पर हुक्म चलता है, जमीन पर बैठकर शमसो कमर पर हुक्म चलता है, जमाना देखकर हैरा है सुल्तानी मोहम्मद की, जमाना देखकर हैरा है सुल्तानी मोहम्मद की, और जमाना देख ले अजमत मेरे आकाए मेहनत की, जमाना देख ले अजमत मेरे आकाए मेहनत की, खुदा ने खुद बुला देखी है मेहमानी मोहम्मद की, खुदा ने खुद बुला देखी है मेहमानी मोहम्मद की। हजरत अब आइए बिना किसी ताखीर के खतीबे हिंदुस्तान खतीबे बावकार मुफ्ती कौम मिल्लत शहजादाए वकार मिल्लत हजरत हैदराबाद रहमान अख्तर फायतुल जमाली साहब के मद्दजिल आली मुहतमिम दारुल उलूम फैजुल बारी नवादा बिहार। अब हमारे आप रूबरू खिताब करने के लिए आ रहे हैं, तो आइए आगे आने कर नीचे तक हजरत का इस्तकबाल जा रहे हैं। केंद्र अदालत की गूंज में नारे सारे लोगों का नाम हाथ उठ जानी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े खतीब बहुत बड़े आलिम दीन का मैं